दोस्तों, आईपीएल 2023 के ट्रेड विंडो के ऊपर इस वक्त बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जहां पर बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 के ट्रेड विंडो का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2023 का ट्रेड विंडो किस तारीख से स्टार्ट होगा, ये किस तरीके से काम करेगा और कुछ प्रोबेबल ट्रेड प्लेयर्स की लिस्ट भी बताएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2023 के ट्रेड विंडो से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेड विंडो क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो ट्रेड विंडो टोटल दो प्रकार का होता है, जहां पर पहला होता है प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड, वहीं दूसरा होता है प्लेयर टू मनी ट्रेड, जहां पर प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड में दो खिलाड़ी आपस में दो टीमों में ट्रांसफर होते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर मुंबई और बेंगलोर के बीच कोई ट्रेड होगा और अगर ट्रेड प्लेयर जसप्रीत बुमराह होते हैं तो बुमराह को आरसीबी की टीम अपने स्क्वाड में ले लेगी, वहीं अपने स्क्वाड से जॉस हेजलवुड को मुंबई की टीम में भेज देगी। तो ये था प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड का एग्जांपल। और दूसरा होता है प्लेयर टू मनी ट्रेड, जो कि आईपीएल में काफी बार देखने को मिला है। जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने स्क्वाड से रॉबिन उथप्पा को चेन्नई की टीम में ट्रेड किया था, तो ये दो प्रकार का ट्रेड होता है। अब बात करते हैं कि ट्रेड विंडो किस तारीख से स्टार्ट होगा। तो बीसीसीआई ने ऑफिशियली बता दिया है कि जून के महीने में पहला ट्रेड विंडो स्टार्ट किया गया था, लेकिन एशिया कप के चलते और T20 वर्ल्ड कप के चलते करेंटली ट्रेड विंडो को क्लोज कर दिया गया है। और नए डेट्स के बारे में बात करें तो मिड नवंबर यानी कि 15 नवंबर से ट्रेड विंडो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। और इस ट्रेड विंडो में प्रोबेबल ट्रेड प्लेयर्स के बारे में बात करें तो पहला और सबसे बड़ा नाम निकल करके सामने आ रहा है रविंद्र जडेजा का, जहां पर जडेजा चेन्नई से अनबन के चलते हाईली चांस है कि गुजरात, बेंगलोर या फिर मुंबई जैसी टीमों में ट्रेड हो जाए। इसके बाद दूसरा प्रोबेबल ट्रेड देखने को मिल सकता है पड्डीकल के रूप में, जहां पर पड्डीकल को कोलकाता की टीम अपने स्क्वाड में ट्रेड करवा सकती है। वहीं अगला ट्रेड देखने को मिल सकता है आर अश्विन के रूप में, जहां पर अश्विन को मुंबई की टीम ट्रेड ऑफर कर सकती है। तो यही था आईपीएल 2023 के ट्रेड विंडो के डेट और प्रोबेबल ट्रेड प्लेयर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।